स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। क्या आप प्रेतात्माओं पर विश्वास करते हैं? सच कहूं तो मैं खुद इस मुद्दे पर पूरी तरह श्योर नहीं हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मरने के बाद हम कहां जाते होंगे। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, आपके लिए लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं सूरत से निमिष और वो सुनाएंगे अपने बचपन की एक सच्ची घटना। उस समय पापा कंस्ट्रक्शंस में थे, इसीलिए उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो बेसिकली हम किराए के घरों में ही रहते थे। मम्मी तो बचपन में ही ऑफ हो गई थी, इसलिए पूरा इंडिया में हम फादर एंड सन घुमा करते थे। जब मैं कुछ 10 साल का था तब पिताजी का ट्रांसफर गोंधल में हुआ। गोंधल सूरत के पास है, कुछ 2 घंटे की ड्राइव पर। हम जब सुबह वहां पहुंचे तो होटल रूम्स बुक थे, इसीलिए जिस हवेली में काम था ना वहीं पर हमारे लिए रूम खोल दिया गया। हवेली वॉज ऑसम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह हवेली हॉन्टेड है, तो हम ऐसे महल में सेटल हो गए। जब मैं रूम में पहुंचा ने तो वहां एक आया ने मेरा स्वागत किया। किम छो निमिष बाबा, आपके पापा ने मुझे आज ही काम पे रखा है आपका ख्याल रखने के लिए। आप मुझे दाई माँ कह सकते हैं। पर्सनल केयर टेकर? वाह, मेरा रूम टॉप क्लास, बढ़िया बेड, नई प्यारी अलमारी, मैंने सबसे पहले सारा ड्रॉवर्स खोल दिया, एक प्यारा सा गुड्डा था गुजराती वेशभूषा में, वेलकम गिफ्ट एंड ऑल। वाह, मैंने तुरंत उसे उठाकर अपने पास रख लिया, तो घर में सब एकदम एवन था। लेकिन रात को गड़बड़ शुरू हो गई। डिनर के बाद जब मैं अपने बेडरूम में गया तो देखा मेरे बेड पे चद्दर ओढ़ के पहले से ही कोई सोया हुआ था। पहले लगा पापा है। मैं बेड की तरफ बढ़ा, तब ध्यान गया कि जो सोया था उसकी हाइट तो कम थी, मतलब पापा नहीं थे। चद्दर की तरफ डरते डरते हाथ बढ़ाया। हेलो हेलो हेलो। पहले कोई रिएक्शन नहीं। मैंने चद्दर हल्के से खींची और तब कौन छे तू? अने देबू क्या छे? कहाँ है देबू? एक बच्चा, कुछ मेरी उम्र का, लेकिन एकदम सफेद मुंह, डरावनी लाल आंखें। मैं भागा वहां से। पापा, 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 पापा। क्या हुआ निमेश? सोचे बोलो ना बाबा, क्या हुआ? पापा और दाईमा दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। पापा ने मुझे गोद में उठा लिया। दाईमा मेरा सिर सहलाने लगी। मैंने रोते हुए कहा, पापा पापा रूम में भूत है, पापा पापा रूम में भूत है। तो पापा ने कहा, क्या? अच्छा, चलो बताओ कहाँ है, चलो 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 बताओ। उधर। हम रूम में गए। यस, आप लोग समझ ही गए होंगे, मेरा रूम एकदम परफेक्ट कंडीशन में। बोलो, बिस्तर में भी चद्दर, तकिया,
जैसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होगा। नहीं पापा, यहीं पर था, भूत था, मेरे जितना ही था। भाई क्या बात है, यहाँ के भूत भी कस्टमाइज्ड हैं, साइज मैच करके आते हैं, नहीं? बेटा कोई भूत भूत नहीं है, चलो अब सो जाओ, चलो 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 जाओ। पापा क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? निमेश, यू आर ए ब्रेव बॉय ना, समझो बेटा, अगर आज रात मैं तुम्हें अपने पास ले गया तो ये स्टूपिड डर तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा। फाइट इट आउट टुनाइट, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, ओके? पापा। गुड नाइट बेटा, ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे, ओके? बाय। पापा पापा। पापा चले गए, बस मैं रूम में अकेला, और इतने में बाथरूम से कुछ आवाज आई, जैसे वहां कोई है और नल खोल रहा है। अब क्या करूं? पर पापा की बात याद आ गई, फाइट इट आउट टुनाइट। तो मैं खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ गया। पानी टपकने की आवाज बढ़ने लगी। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, अंदर गया, नल की तरफ हाथ बढ़ाया, बंद किया, पीछे मुड़ा और वो लड़का मेरे सामने खड़ा था, मुझे घूर के देख रहा था। निकल जा मेरे घर से। मैं भाग भागा, वो बच्चा मेरे पीछे। देवू क्या छे? देवू मने आ, मने मने देवू आ, मुझे देवू चाहिए अभी। इतने में मुझे किसी ने पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। निमेश पापा, एकदम चुप। वो ताई माँ थी। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा वो। वो कौन है? वो मेरे कमरे में था, सच्ची बोल रहा हूँ, आप तो मेरी बात मानिए। हाँ निमेश पापा, मैं उसे जानती हूँ। जानती है? आप प्लीज सुबह पापा को भी बता दीजिएगा, प्लीज। तुम्हारे पापा मेरी भी नहीं सुनेंगे निमेश बाबा। टीपू जैसी आत्माएं सिर्फ उसी को दिखती हैं जिसे वो दिखना चाहती हैं। टीपू? उसका नाम टीपू है? हाँ निमेश बाबा, अब आप सो जाओ। दाइमा, क्या आप प्लीज मेरे साथ सोएंगी? हाँ निमेश बाबा, मैं यही हूँ, आप चलो जल्दी सो जाओ। मैं पूरी रात दाइमा को पकड़ के ही सोया। टीपू ने मुझे उस रात तंग नहीं किया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे पापा ने पूछा, तो भाई आपका भूत रात को फिर से तो नहीं आया? मैंने दाइमा की तरफ देखा। हाँ आया तो था, पर आपको बता के फायदा नहीं। अगर आज मम्मी मेरे पास होती तो मेरा मजाक नहीं उड़ाती। निमेश, मैं डर गया, क्या पापा मुझे मारने वाले थे? लेकिन पापा ने चुपचाप कहा, निमेश अपने कमरे में जाओ, दिन भर वहीं बैठे रहो, जरा अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी, चलो। और वो ऑफिस चले गए। मैं अपने कमरे में बैठा रहा। शाम को सनसेट के बाद दाइमा अंदर आई। निमेश बाबा, खाना खा लो, आपने दिन भर खाना नहीं खाया बेटा। नहीं मुझे भूख नहीं है। पर निमेश बाबा, मुझे टीपू के बारे में बताइए।
ताईमा ने तुरंत मुझे घूर के देखा। तुम्हें टेबू के बारे में कैसे पता? हाँ, वो टेबू बार बार कहता है टेबू क्या छे, मैंने देबू आप, मतलब देबू कहाँ है, मुझे देबू दो, है ना ताईमा? तो देबू कौन है? देबू टीपू के सबसे प्यारे खिलौने का नाम है, एक गुड्डा। मेरा ध्यान अपनी बैग की तरफ गया जहाँ मैंने वो गुड्डा देबू रखा था। ताईमा आगे बोलती गई, दिन भर अपने गुड्डे के साथ खेलता था वो, तब एक दिन देबू कहीं खो गया, मरते हुए भी वो उसे ढूंढ रहा था। और तभी माँ, देबू आना पास है माँ, देबू इसके पास है माँ। मैं पलटा, पीछे टीपू खड़ा था बच्चा, लेकिन बड़ी सी लाल आंखें, मानो एक बौना आदमी, सूखे होंठ, सफेद बदन, वो मेरी तरफ बढ़ा। देबू आप मने देबू टीपू आना पासे न थी, आना पासे न थी। नहीं ताईमा, टीपू देबू, देबू मेरे पास है, मारा पास छे। और अचानक मानो मैंने असली टीपू का चेहरा देखा। हा? क्या देबू, देबू मुझे देबू दो, देबू दो, दे दो मुझे देबू, देबू देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने तुरंत बैग खोला, वो गुड्डा उसकी तरफ बढ़ाया। टीपू ने वो गुड्डा अपने हाथों में ले लिया और मानो एक ही पल में टीपू बच्चा बन गया। देबू, मेरा देबू। उसने एक नजर अपनी माँ को देखा, टीपू, प्यार से, मेरा टीपू। लेकिन जब तक दाईमा उसकी तरफ हाथ बढ़ाती, वो खिड़की की तरफ गया और बाहर चला गया। टीपू, दाईमा ने मेरी तरफ देखा। उस उम्र में मैं समझ भी नहीं पाया, पर दाईमा की आंखों में प्यार तो था पर आदर भी था, मानो वो मुझे थैंक यू बोल रही हो। टीपू को मुक्ति मिल गई थी। उस पूरी रात भर दाईमा वहीं खिड़की के बाहर देखते हुए रोती रही। सुबह मेरी आंखें खुली, दाईमा खिड़की के पास ही खड़ी थी, आंखों में आंसू अभी भी थे। इतने में अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। पापा थे, मेरे लिए नाश्ता लेके आए थे। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया। आई एम सॉरी बेटा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आर यू ओके? काहीं नहीं पापा, आई एम फाइन। अच्छा चलो, मुझे अब बताओ तुम्हारे भूत की कहानी, और उसके बाद इफ यू वांट हम यहाँ से सच में चले जाएंगे बेटा। इट्स ओके पापा, सब ठीक हो गया है। पता है उस भूत का नाम टीपू था। टीपू? ओके। सच्ची में पापा, लेकिन वो ना सिर्फ अपना गुड्डा ढूंढ रहा था, पता है मैंने उसकी मदद की, वो अब किसी को तंग नहीं करेगा। मेरा बहादुर बेटा, गुड वर्क, तुमने तो सब अकेले ही कर दिखाया। अकेले कहाँ, दाईमा के साथ। दाईमा? वो आपने मेरे लिए दाईमा को रखा ना, यू आर दी बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। नहीं तो मैं अकेला पड़ जाता। और पता है क्या पापा, वो टीपू की माँ है। दाईमा, आप भी कुछ कहिए ना, वहाँ खिड़की के पास खड़े खड़े क्या देख रही हैं? आइए ना। दाईमा चुप रही, मुस्कुराती रही, लेकिन पापा के चेहरे से मुस्कान उड़ गई। बैग्स पैक करो निमेश, हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। पर कोई सवाल मत पूछो, बैग्स पैक करो जल्दी। बट व्हाई पापा? क्योंकि
क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई दाई मां नहीं रखी थी। और वहां खिड़की पर दाई मां चढ़ गई। उन्होंने अपने सफेद बाल खोले, मेरी तरफ मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक मां का पागलपन था। उन्होंने अपनी बाहें खिड़की पर खड़े होकर फैलाई, खिड़की के बाहर कूद गई। निमेश के साथ हुई घटना उसने मुझसे पहले किसी को नहीं बताई थी, लेकिन मेरे साथ कुछ महीनों की थेरेपी के बाद वो अपनी बात आपसे कहने के लिए तैयार हुआ, और मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर निमिष के तरह आप भी कह पड़ेंगे। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था Fever FM Production HD Smartcast।